व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। कुछ थोड़ा सा रैपअप आपको दे देंगे जी एहतजाज का, जो आज सारा दिन हुआ और किस तरह से एक पुलिस की दहशतगर्दी देखी गई इस पूरे एहतजाज में, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर जो मखसूस नशस्तें पीटीआई से छीनी गई हैं वो किन को मिल रही हैं, ज़रा आपके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि एक अच्छी खबर भी है पाकिस्तान के लिए। कौन से पाकिस्तान के सेनेटर हैं जो कि आईएमएफ बोर्ड के लिए मुंतखब हो गए हैं मेंबर उसके। और फिर सदर आरिफ अलवी साहब जो कि अब सदर नहीं रहे हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बड़ी अहम, तो उनसे भी जुड़ी जो बहुत सारी चीज़ें हैं उन्होंने क्लियर की हैं उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। ओवरऑल जो दिन भर की डेवलपमेंट्स हैं और आगे क्या नज़र प्लान आ रहा है पीटीआई का, इसके ऊपर भी जिक्र करेंगे। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी बात का आगाज यहीं से करते हैं, जो आज दिन भर एहतजाज रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भरपूर किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया मुख्तलिफ शहरों में, बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई। अब खबर ये आ रही है कि सलमान अकरम राजा को रिलीज कर दिया गया है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था इचरा से। इसी तरह से और जो अहम पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा हैं जिनमें लतीफ़ खोसा साहब भी शामिल हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी तक उनकी रिहाई से मुतल्लिक खबर नहीं आई, लेकिन होपफुली उन्हें भी रिहा कर दिया जाएगा। कुछ मजीद कारकुनान वगैरह भी हैं पीटीआई के जिन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था कि ये दो चार दिनों में सब रिहा हो जाएंगे। आमतौर पर ये प्रोटेस्ट में ऐसा ही होता है। लेकिन अब अफसोस की बात क्या है, अफसोस की बात ये है कि ये होगा, वो प्रोटेस्ट भी करेंगे, आप फिर आ जाएंगे। पिछली दफा भी यही हुआ, अब भी आपने यही किया, शायद आगे भी आपकी यही स्ट्रैटेजी हो। बाकी भी मुल्क में एहतजाज हुआ है, वहां इस तरह की सूरत हाल नहीं होती जो लाहौर में खास तौर पर बना दी जाती है। तो इसकी आखिर क्या वजह है कि लाहौर को इतना ज्यादा नो गो एरिया या बिल्कुल पीटीआई के लिए एक ऐसा एरिया बना दिया गया है कि वहां आप पीटीआई का झंडा नहीं उठा सकते, पीटीआई का कोई एक सिंबॉलिक चीज लेकर उसके साथ रोड के ऊपर नहीं आ सकते। तो आखिर इस तरह की क्या सूरत हाल बन गई है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको मेरा ख्याल है एड्रेस करने की जरूरत है। उसकी वजह यह कि आज ऐसे मनाजर देखे हैं कि एक गाड़ी है उसमें बच्चे बैठे हुए हैं और वो बच्चे बेचारे सहमे हुए हैं बाकायदा। क्यों? क्योंकि इर्द गिर्द पुलिस के दलेर नौजवान आकर हरासा कर रहे हैं उस फैमिली को, मुक्के बरसा रहे हैं गाड़ी के ऊपर, लाठी बरसा रहे हैं, शीशा नीचे करवा के उनके बच्चों के जो भी बड़े वहां पर मौजूद हैं उनके साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं और बच्चे उनके चेहरों के ऊपर एक नजर आ रहा है कि जैसे वो बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं, घबरा गए हैं। और जाहिर बच्चे हैं तो वो तो ऐसा होगा। तो ये आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, ये नौजवान बच्चे, ये बच्चे हैं आज को कल ये नौजवान होंगे, ये क्या सोचेंगे और क्या ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों से फिर प्यार करेंगे, क्या उनके लिए मोहब्बत और इज्जत का एहतराम का रिश्ता रखेंगे? तो ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, जो इज्जत और एहतराम है वो अर्न की जाती है। ऐसा नहीं है कि हम जो ईंट गारे की इमारतें हैं उनको कोई पूजना शुरू कर दें या हम उनकी इज्जत करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। बात यह है कि जो उस इदारे के अंदर शख्सियात हैं उन शख्सियात का किरदार उस इदारे के लिए भी इज्जत का बाइस बनता है। वो ऑटोमेटिकली आप उन शख्सियात की भी इज्जत करते हैं, उस इदारे की भी इज्जत करते हैं, जब वो अपने किरदार से साबित करते हैं कि वो हक और सच के साथ खड़े हैं, वो किस तरह इंसाफ पर मबनी बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से वतन अजीज की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बड़े अहदों पर छोटी शख्सियात आकर बैठ जाएं और फिर आप डंडे के जोर पर कहें कि जी इस शख्सियत की भी इज्जत करो और इस इदारे की दीवारों की भी इज्जत करो, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। वरना पहले ये शख्सियात चाहे कोई भी सदर की हो, वजीर आजम की हो, चीफ मिनिस्टर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, पुलिस के आईजी हो, ये सब आर्मी चीफ हो, बहुत सारे इतनी बड़े बड़े ये पोस्ट हैं और लोग इनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को इन पोस्टों पे रख दें, आ जाएं वो जिस भी तरह कि जो अपने अमल से वो इज्जत और एहतराम अपना बरकरार ना रख पाएं, तो फिर इसमें आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये आज मैं देख रही थी बच्चों ने जो कुछ देखा है, वो क्या आपकी इज्जत करेंगे पंजाब पुलिस की, या वो क्या चाहेंगे कि वो भी इस तरह पंजाब पुलिस का हिस्सा बने और इस तरह लोगों की माओ बहनों के ऊपर तशद्दुद करते फिरें, लाठियां बरसाएं, उनकी गाड़ियां तोड़ें, ये गुल्लूबट टाइप जाहिलों की तरह बिहेव करें सिटीजन्स के साथ, पढ़े लिखे शहरियों के साथ, खवातीन के साथ, तो वो ये पसंद करेंगे क्या? तो ये किधर आप माशरे को लेके जा रहे? फिर आप कहते हैं जी नफरत वो फैला रहा है, वो नफरत नहीं फैला रहा, वो आराम से बैठा हुआ है जेल के अंदर चुप करके बैठा हुआ है। ये आप लोगों ने अपने अमल से नफरत फैलाई हुई है, ये सब ये नफरत जो है ना ये आपके अपने अमल से हो रही है। जो जो कुछ आप कर रहे हैं अवाम के साथ वो अवाम देख रही है, जो जो कुछ आप आईन के साथ कर रहे हैं वो अवाम ने देखा है, जो आपने अवाम के मैंडेट के साथ किया है वो अवाम ने देखा है।
और ये देख के ही आवाम आप लोगों से नफरत करती है। उसने उसमें किरदार का मजाक किया, उसमें आपका अपना ज्यादा किरदार है। जो नटशेल है वो यही है। अब इसको जिस तरह मर्जी आप बात को घुमा लें फिरा लें। और ये मरियम नवाज जैसे इन्होंने आते साथ यहाँ पर एक डंडे की सरकार कायम करने की बात, ये कि जो हुकूमत है हुक्मरानी है वो मॉरल अथॉरिटी पे होती है, अखलाकी मयार के ऊपर, अखलाकी अकदार के ऊपर। जब आपके पास वो अखलाकी जवाज ना हो, जब आपका मैंडेट चोरी का हो, फिर आप डंडे से हुकूमत करते हैं, क्योंकि काबिज लोग ऐसे ही हुकूमत करते हैं। तो यही मोहतरमा कर रही हैं इस वक्त, तो ये समझ रही हैं कि जी ये बड़ी कोई ऐसी सरकार कायम कर लेंगे जिससे खौफ के डर से कि जी सब फिर मान लेंगे कि अल्टीमेटली हाँ जी हाँ आप ही वज़ीर। तो ऐसे नहीं होता। देखिए आप इस तरह की शोभदाबाजियों से जो है लोगों के दिल नहीं जीत सकते, और डंडे की सरकार जो है वो ज़्यादा देर चल नहीं सकती। तो ये जो सारी अब हिकमत अमली है, पहले भी 2 साल आप लोगों ने करके देख ली, फ्लॉप हुई है, इससे आपको मजीद सियासी तौर पर नुकसान होगा। सियासी लोग तो अब आप रहे नहीं हैं, क्योंकि सियासी लोग जो होते हैं वो इस तरह के होते नहीं हैं। तो अब आप लोग जो भी बाकी अब ये कठपुतलियाँ सी बन गए हुए हैं जो भी, तो अब यही आपको फिर मजीद उसमें जो ये है कि लोगों का यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों का, जब यहाँ से आप इन ओहदों से उतरेंगे। इसके अलावा तो फिर आपका कोई फ्यूचर नजर नहीं आता अगर आप लोगों की यही रविश रही। अगर आप वाकई सियासी या जमहूरी लोग हैं तो फिर लोगों को फेस करें, फिर लोगों का प्रोटेस्ट करने दें, फिर लोगों के जो तनकीद है वो बर्दाश्त करें, उसे सुनने का हौसला रखें। ये होता नजर नहीं आ रहा। बहरहाल एक अच्छा सारा दिन का प्रोटेस्ट था, लेकिन अब पीटीआई के लिए आगे इससे है क्या? क्या यही आंख मचोली चलेगी कि जी प्रोटेस्ट कर लिया, घर चले गए, अल्लाह हाफिज, फिर 4 लोग गिरफ्तार हो गए, 4 दिन बाद रिहा हो गए, तो चलो जी बहुत जबरदस्त हो गया। तो बेसिकली जो पीटीआई का प्लान नजर आ रहा है वो ये कि इवेंचुअली एक मोमेंटम बरकरार रखें। इसी मोमेंटम के दौरान अगर खान साहब की रिहाई भी हो जाती है तो फिर आगे वो इस मोमेंटम को लीड करें, और अल्टीमेटली फिर ये एक बड़े लॉन्ग मार्च या फिर कोई बहुत बड़े मिलियन मार्च की सूरत इख्तियार करें, और उसके नतीजे में ये लोग कोई प्रेशर बढ़ाएं इस हुकूमत के ऊपर कि ये उनका मैंडेट वापस हो, नया इलेक्शन हो, जो भी उस वक्त के हालात और वाकयात के मुताबिक इनका एक डिमांड होगी वो उस वक्त बनेंगी। लेकिन बज़ाहिर जो मुझे नजर आ रहा है कि इनकी जो हिकमत अमली है वो ये है कि जो प्रोटेस्ट है, जो लोगों का जज्बा है, इस वक्त गुस्सा है, उसको एक तरह से चैनलाइज भी करते रहें और उसको एक मोमेंटम भी दिए रखें, और ता वक्ते के खान साहब उस वक्त तक बाहर आएं और फिर आगे चीजों को लेके चलें। तो बज़ाहिर तो ये इस तरह की स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, आगे देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। इसी स्ट्रैटेजी के तहत अब 23 मार्च को इन्होंने इस्लामाबाद में एक जलसा भी फिक्स कर दिया है, और अब इनका ये तय हुआ है कि जी इस्लामाबाद में यानी केपी से अलावा बाहर निकल कर भी जलसे जुलूस का सिलसिला शुरू किया जाए। अब जाहिर है इंतजामिया तो इस्लामाबाद की इन्हें जलसे की इजाजत देगी नहीं, फिर इन्हें जाना पड़ेगा कोर्ट में, फिर कोर्ट से भी क्या इन्हें इजाजत मिलेगी या नहीं, फिर रुकावटें डाली जाएंगी। तो अभी इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि क्या ये कोई जलसा करने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं। और फिर डेट भी जो इन्होंने रखी है वो 23 मार्च है, जो कि आपको मालूम है यौम पाकिस्तान होता है, और उसकी याद में उस दिन और भी बड़ी सारी एक्टिविटीज होती हैं। पहले तो परेड भी हुआ करती थी, पता नहीं इस दफा होती है या नहीं, और फिर और भी काफी सारी एक्टिविटीज दिन भर जारी रहती हैं, तकरीबात वगैरह। तो उसी दौरान अगर ये जलसा एक रखते हैं 23 मार्च का, तो इसमें क्या इसी बुनियाद के ऊपर हो सकता है इसको तातुल डाल दिया जाए कि नहीं भाई इस दिन कोई शरंगेजी ना हो जाए, लिहाजा ये नहीं है। तो इसमें अभी इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन इनका प्लान ये अच्छा है कि बड़े शहरों में जलसे ऑर्गेनाइज करें, और उसमें ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि कोर्ट से बाकायदा इजाजत लेकर इसको जो है किया जाए। पंजाब में तो फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन देखते हैं कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल होती है। अब जी आपको बता देते हैं कि कैबिनेट जो है वो फाइनल हो रही है, और मैं वही उस दिन बात कर रही थी कि अजीब सूरत हाल है, यानी आपके पास कोई बंदे नहीं है। वजीर आला सिंध के लिए आपके पास कोई नया चेहरा नहीं था, आपने तीसरी दफा उसी शख्स को वजीर आला बना दिया। वजीर आजम के लिए नून के पास चले जी नवाज शरीफ साहब नहीं बन रहे थे, वैसे वो भी एक वो चेहरा होता जो चौथी मरतबा बनता, फिर शहबाज शरीफ साहब को बना दिया, वो भी दूसरी दफा। अब सदर के लिए कोई और चेहरा नहीं था, चलो जी फिर उठा के जरदारी साहब को बना दिया। अब आपको कैबिनेट में भी वही चेहरे नजर आएंगे, वही एहसन इकबाल जो इससे पहले कितनी दफा मिनिस्टर्स रह चुके हैं, फिर वही आपको नजर आएंगे जाके तारिक फातमी साहब वजीर खारजा के तौर पर, इसहाक डार साहब शायद बने वजीर खारजा, उनको असिस्ट करेंगे तारिक फातमी, यही तारिक फातमी की यही पुरानी टीम, वही चेहरे, वही लोग, वही सारे अंदाज और फिक्र के साथ आखिर कौन सी तब्दीली ले आएंगे? पहले भी यही लोगों के पास मुख्तलिफ महकमे थे, तो क्या हुआ है? PIA किधर है आज? आप लोगों का रेलवे की क्या तबाही है? आप लोगों का हर इदारा इस वक्त तबाही के धाने पर खड़ा हुआ है। तो ये सब यही 30-30, 40-40 साल से यही चेहरे हैं ना, जो बदल बदल के इधर से उधर, उधर से उधर बैठ जाते रहे। बीच में से आप अगर इमरान खान के निकाल दें तो बाकी तो सारा इन्हीं का ही रूल रहा है। तो क्या इन्होंने इन इदारों के लिए कर लिया जो अब ये कोई नई रॉकेट साइंस लेकर आ गए हैं कि ये सब कुछ बेहतर कर लेंगे?
तो ये एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यही चेहरों के साथ फिलहाल गुजारा करना पड़ेगा। उसके बाद ही इसमें जो इम्पोर्टेंट एक और खबर है कि जो इन्होंने नशस्तें छीनी हैं मखसूस, और इजाफी नशस्तें दी गई हैं PMLN को और बाकी जमातों को, तो अब इनकी प्रायोरिटीज चेक करें। एक खबर आ रही थी कि शुमाइला राना जो इनकी साबिक MPA थी उनको ये नशस्त दी गई है, और ये वो खातून है जो कि मुबैना तौर पर क्रेडिट कार्ड चोरी वाला स्कैंडल एक दफा आया था, आपको शायद याद होगा, उसमें ये मुलव्वस थी, और इन्होंने चोरी करके क्रेडिट कार्ड से जो है वो बहुत सारा कुछ शॉपिंग वगैरह की थी, और ये बड़ा उस दिन स्कैंडल जो था वो TV पे आया था। उस वक्त मैं न्यूज़ पढ़ा करती थी तो ये हमने सारी कवरेज की थी उस वक्त स्टोरी। इसी तरह एक और जो मरियम इकराम साहिबा हैं, ये खातून भी जो है इसके बारे में भी काफ़ी सस्पिशियस सा इसका कैरेक्टर है, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये जी PTI की शायद बनी, या शायद ये कोई इंस्टॉल्ड किस्म की PTI वर्कर थी, क्योंकि ये 9 मई वाले दिन भी एहतजाज करती हुई इसकी मुख्तलिफ तस्वीर हैं, और बाद में ये पता चला कि जी ये तो PMLN की तरफ से उनका कोई सोशल मीडिया पे भी कुछ करती है। मैंने तो नहीं खैर कभी फॉलो किया ना देखा, लेकिन फिर मुझे आज जब मैंने इनकी बारे में सुना तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी देखी चीज़ें, तो पता ये चला कि ये कोई उनके सोशल मीडिया के लिए शायद कोई TikTok पे बनाती हैं या क्या कोई वीडियो वगैरह बनाती, काम करती रही, और काफ़ी बिलो द बेल्ट करती रही हैं कोई गालम गलोच और इस टाइप की चीज़ें। और फिर उसके बाद फिर अब सूरत हाल ये है कि इस खातून को इन्होंने मखसूस नशस्त पे नामजद कर दिया है कौमी असम्बली में, तो ये वाली सूरत हाल है। तो ये इनकी प्रायोरिटी, मतलब अगर आपको पहले तो ये लूटी हुई नशस्तें हैं आपकी, फिर कम अज़ कम आपको ये अच्छे पढ़े लिखे लोगों को दे दें कि कोई ये तो कहे कि हाँ यार आप लोगों ने अच्छी सिलेक्शन की है, चॉइस अच्छी है आपकी, पढ़े लिखे लोगों को आप असेंबली लेके आए। तो आपने अगर यही लोगों को असेंबली लेके आना है कि जो आपके क्रेडिट कार्ड की चोरियों में मुलव्वस हैं, या जो इस तरह की अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें बनाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और फिर उसको करते हैं अपलोड भी, और फिर चलिए वो तो अब हर तरफ ही माशाल्लाह एक जैसी सूरत हाल है, वो तो PTI में भी आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये खातून एक अजीबोगरीब शख्सियत हैं कि जो पहले 9 मई के वाकयात में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस भी नजर आती थी, और बाद में ऐसा लगता है कि वो बाकायदा किसी एजेंडे के तहत उस सारे मुजाहरे में शामिल थी। तो ये एक बड़ा सस्पिशियस मामला है, तो कम अज़ कम इसके ऊपर तो होना चाहिए, देखना चाहिए कि भई कौन है और क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, किस बुनियाद के ऊपर इनको जो है वो आपने ये टिकट नवाजा है। तो इस तरह के अब आप लोगों को जो लोग हैं वो असेंबलियों में नजर आ रहे हैं। आज भी मैं देख रही थी कोई और किसी तरह का PMLN का बंदा था जो वजीर आजम हाउस में इमरान खान की तस्वीर के आगे जूते लहरा रहा था। अब यही हरकत अगर किसी PTI के बंदे ने की हो तो इतना शोर मचता है कि देखें जी बड़ी बद तहजीब और बदतमीज किस्म की नस्ल तैयार कर दी, ये हो गया वो हो गया। वही हरकतें आप देख लें कि ये लोग करते हैं तो उस तरह से कोई किसी को नजर नहीं आता, और फिर ये भाषण देते हैं मरियम नवाज टाइप लोग के जी हमारे कल्चर को, सियासी कल्चर को खराब कर दिया गया है, नवाज शरीफ आके भाषण देते हैं हमारे सियासी कल्चर को खराब कर दिया। तो खुद इन लोगों की हालत ये है। ये वाली आपको आगे जो है मजीद भी चीजें नजर आती रहेंगी, लूट से लगी हुई है नशस्तों की, तो अब उनके पास लोग कम पड़ गए रिश्तेदार, बल्कि यूं कह लें कि रिश्तेदार और अकरबा परवरी से नवाजने वाले लोग कम पड़ गए हैं, तो अब उन्होंने फिर इसी तरह हर ऐरे गहरे को उठाकर जो है वो नशस्तें देकर कौमी असम्बली में भेजना है। अब जी इस बात पर आ जाते हैं कि एक अच्छी खबर है, पाकिस्तान के पहले पाकिस्तानी सेनेटर फैसल सलीम रहमान साहब को IMF बोर्ड के लिए मुंतखब किया गया है, और ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान से इस तरह से कोई सेनेटर जो है वो मुंतखब हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और मैं वही बात करती हूँ, आप ठीक है लाख दफा इस बात पे इख्तलाफ भी करते हैं, हम भी तनकीद करते हैं कि PTI में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत इमेच्योर बिहेव करते हैं, या बाज़ूकात बड़ी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं वगैरह, लेकिन आप ये भी देखिए कि बहुत सारे पढ़े लिखे काबिल लोग आपको नजर आते हैं PTI में, नए चेहरे नौजवान लोग आपको नजर आते हैं PTI में, वरना यहाँ पर तो वही मौरूसी सियासत, वही रिवायती चेहरे, वही कुछ नजर आता है, कुछ चेंज नहीं है। वहाँ पर चेंज तो लाया जाता है, अब उस चेंज में कोई ना कोई अच्छा भी होता है तो कोई बुरा भी होता है, हर तरह का निकल आता है ना फिर, लेकिन कम अज़ कम कोशिश तो होती है कि कोई नया बंदा हो सामने आए। और इस तरह तो अब ये जो सेनेटर फैसल सलीम रहमान साहब हैं ये कितने क्वालिफाइड हैं, और इनको IMF बोर्ड में उन्होंने मेंबर मुंतखब किया है, तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक एजाज़ की बात है। अब आ जाते हैं जी, सदर आरिफ अलवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है। पहले तो जो ये जिस अंदाज से गए हैं सदर साहब, उसके ऊपर बड़ा कल मैं देख रही थी लोग बात कर रहे थे, हमारी खबरें और थी तो उसमें मैं डिस्कस नहीं कर सकी कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर तो दिया गया, लेकिन कोई बड़ी शख्सियत स्टेट की उन्हें खुदाफिज कहने, अलविदा कहने के लिए वहां मौजूद नहीं थी ऐवान सदर में, वो खामोशी से अकेले ही अपना बैग उठाकर चले गए। अदरवाइज ये एक
प्रोटोकॉल का तकाजा होता है, इतना सबसे बड़ा आपका आईनी होता है, तो आप गार्ड ऑफ ऑनर जब उन्हें देते हैं तो उसके बाद फिर कोई ना कोई स्टेट की अहम शख्सियत मौजूद होती है जो आपको खुदाफिज करती है, कोई आपकी अलविदाई मुलाकातें होती हैं, कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले सदर थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि वो इमरान खान उनका लीडर है, वो उसे लीडर समझते हैं। तो बहरहाल सदर साहब से पीटीआई वालों के अपने गिले हैं, वो कहते हैं जी उन्होंने वो परफॉर्म नहीं किया, उस तरह रिजिस्ट नहीं किया जो वो कर सकते थे, और इधर स्टेट के अपने गिले हैं और वो कहते हैं कि जी आपने इमरान खान के सिपाही होने का हक अदा किया और आपने सदर बन के काम नहीं किया, जो हमने आपसे कहा वो नहीं आपने किया। तो दोनों तरफ से वो बेचारे जो आरिफ अलवी साहब हैं वो इस वक्त तनकीद की जद में रहे, और यही वजह है कि जब वो ऐवान सदर से रुखसत हुए तो चलिए स्टेट ने तो जो उनके साथ किया सो किया, खुद पीटीआई का भी कोई मेंबर उनको रिसीव करने के लिए वहां नजर नहीं आया और ना खुदाफिज करने के लिए नजर आया। तो ये बड़ा एक तन्हाई का शिकार होकर आरिफ अलवी साहब जो है ऐवान सदर उन्होंने छोड़ा। हालांकि मैं जाती तौर पर समझती हूँ कि अच्छे डिसेंट आदमी है और पढ़े लिखे और हर एक का अपना एक मिजाज होता है, उस लिहाज से उनका एक मिजाज है सुलझा हुआ था और जरूरत से ज्यादा वो खुलकर उस तरह से बयान भी नहीं दागते। और अब ये तो जब वो अब जाहिर है ऐवान सदर से बाहर आए हैं तो अब वो खुल के बात करने के काबिल होंगे कि वो किस प्रेशर में थे या किन किन मसलहतों का शिकार थे, क्यों कहाँ पर वो जहाँ पर जैसा परफॉर्म कर सकते थे क्यों नहीं उन्होंने किया, तो ये सारी चीज़ों के जवाब जाहिर है उनसे क़यादत भी पूछेगी, अवाम भी चाहेगी वो ज़रूर दें, और मेरा ख्याल है कि वो कुछ ना कुछ लबकुशाई करेंगे। और इसी सिलसिले में उन्होंने आज लबकुशाई की भी, पहले तो उनके बारे में किसी ने फेक न्यूज़ उड़ाई हुई थी कि जी वो मुल्क से फरार होकर चले गए, हालांकि ऐसा था नहीं, कराची में ही गए, और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी मुतालबा किया कि जो अवाम ने मैंडेट जिसको दिया है उस मैंडेट का एहतराम किया जाए। तीसरा जो उनका मुतालबा था वो ये कि जो कशीदगी है वो ख़त्म होनी चाहिए इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। ये जो सारा मामला है इसको पहले भी जब वो सदर ऐवान सदर में भी थे तब भी उन्होंने हल करने के अपने तौर पे काफ़ी कोशिश की, पुराने आर्मी चीफ के साथ भी, मुमकिन है नए वाले के साथ भी कोशिश की हो, लेकिन वो सारी जो उनकी कोशिश है वो कारगर साबित ना हो सकी थी। तो अब भी उन्होंने आकर यही बातचीत की है, अब उन्होंने इस बात का भी, चौथी जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की है वो ये कि जी खान साहब से वो मुलाकात करेंगे, और मेरा ख्याल इस मुलाकात का मकसद यही है कि वो अपनी पोजीशन भी वाजे करेंगे और आइंदा के लिए जो है चीज़ें उसको भी क्लैरिफाई करेंगे। उन्होंने इस सिलसिले में कहा है कि उनके वकला के थ्रू वो कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करेंगे कि वो खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, उनको इजाज़त दी जाए और फिर उनकी इमरान खान साहब से एक अहम मुलाकात होगी, और ये एक वाकईतन अहम मुलाकात होगी, इसमें काफ़ी चीज़ें आएंगी। तो ये चार इनके अहम पॉइंट्स थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बाकी उनको बहुत सारे सवालात किए मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने, उनसे जवाब लिए रेफरेंस के बारे में, काजी फाजी साहब वो पहले कह चुके हैं कि गलत फैसला था, बाकी वो ये समझते हैं उन्होंने इमरान खान साहब की तारीफ़ों के बड़े पुल बांधे और कहा कि वो एक बहुत ही ईमानदार, बहुत मुहिब वतन, बहुत मुल्क का वफादार और बहुत एक ऐसा लीडर है जो मुल्क को जोड़ने की और अवाम को कौम को जोड़ने की एक सलाहियत रखता है जो कि बड़ा कम किसी लीडर में होता है। तो बहुत उन्होंने तारीफ़ की खान साहब की और उन्होंने कहा कि वो आज भी उन्हें ही अपना लीडर समझते हैं और वो यकीनन उनसे मुलाकात भी करेंगे, और अब ये देखना है कि कब उनकी मुलाकात होती है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो अभी अभी ताज़ा ताज़ा इक्तदार के ऐवानों से आए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग जो है वो उनके थ्रू खान साहब तक हुई हो सकती है आगे भी। तो ये अब जो है देखना होगा, इस पर नज़र रहेगी कि ये वो किस तरीके से आगे जो है वो अपनी पोजीशन क्लियर करते हैं और क्या वो बाकायदा कराची में खास तौर पर सिंध में पीटीआई को उस तरह से लीड करेंगे जो हमें एक वैक्यूम नजर आ रहा था। वैसे हलीम आदिल शेख साहब काफ़ी देर जेल में रहने के बाद बाहर आए तो काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं, आज भी उन्होंने वहाँ पे क्यादत की है मुजाहरे की, तो इसी तरह से एक बड़ी और ताकतवर शख्सियत अगर वहाँ पर सिंध में मिलती है पीटीआई को तो यकीनन वो पीटीआई को स्ट्रेंथन करने के लिए वहाँ पर उनकी तंजीम साजी के लिए बड़ी अहम किरदार अदा कर सकती है। तो ये देखना होगा कि वो अब इमरान खान साहब का एतमाद दोबारा जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं, उन्हें किसी डिस्टेंस पर रखा जाता है या वो दोबारा उसी धारे में शामिल हो जाएंगे, तो ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए।